ईद इज अराउंड द कॉर्नर, तो ईद के लिए एक अच्छा सा, खूबसूरत सा, आसान हो जो करने में और साथ ही में बहुत ही प्यारा लगे, ऐसा मेकअप लेकर के आई हूँ मैं आपके लिए। बहुत ही अफोर्डेबल मेकअप प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए हैं मैंने, ज़्यादातर प्रोडक्ट्स NYBA के हैं, purple.com से आपको मिल जाएंगे, और भी कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स हैं वो भी मिल जाएंगे आपको purple.com से। सभी के लिंक्स दिए हैं मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के टाइटल को क्लिक करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिखेगा, वहाँ से आप इन प्रोडक्ट्स को बेस्ट अफोर्डेबल प्राइसेज में खरीद सकते हैं। हाय एवरीवन, वेरी वॉर्म वेलकम टू यूट्यूब चैनल वर्तिका आनंद। अगर आपको मेरा मेकअप लुक अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले चेहरे को अच्छे से धो लिया है, फिर मैं पर्पल का 24K गोल्ड प्राइमर अपने पूरे चेहरे पर अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ, जिससे कि मेरा चेहरा अच्छे से हाइड्रेट हो जाता है, प्राइम अप हो जाता है, फिर मेकअप स्मूदली ग्लाइड करने में मदद मिलती है। और इसके पहले मैंने अपना रेगुलर स्किन केयर भी किया था। आफ्टर दैट मैं अप्लाई कर रही हूँ NYBA प्रो स्ट्रोब क्रीम, जिसके अंदर बिल्कुल फाइन शिमर पार्टिकल्स हैं। इस क्रीम की मदद से चेहरे में एक अच्छा सा इल्यूमिनेटेड ग्लो आ जाएगा। इसे मैं अपने पूरे चेहरे पर डॉट डॉट कर लिया है और अच्छे से ब्लेंड करके मैं अप्लाई कर रही हूँ। एक हल्का सा गोल्ड टाइप का जो ग्लो है वो आ जाता है चेहरे पर, बहुत ही अच्छी है, पैराबेन फ्री है, क्रुएल्टी फ्री है, सिर्फ 249 रुपीस की है। देन फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ मैं मेबेलिन फिट मी शेड नंबर 128। ज़रा सी क्वांटिटी ली है मैंने, 1-2 ड्रॉप्स लिए हैं। अपने चेहरे पे मैं अच्छे से अप्लाई कर लूँगी और फिर ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। फाउंडेशन की कवरेज काफ़ी अच्छी है और मुझे बहुत ही ज़्यादा हाई कवरेज नहीं चाहिए था, इसलिए मैंने बिल्कुल ज़रा सा ही अप्लाई किया है। काफ़ी लाइट वेट फाउंडेशन है, लॉन्ग लास्टिंग भी है, बहुत स्मूथ बना देता है स्किन को, केकी भी नहीं बनाता है। दिस इज़ वन थिंग विच आई रियली लाइक अबाउट इट। वंस आई एम डन विद ब्लेंडिंग माई फाउंडेशन, फिर मैं अप्लाई कर रही हूँ अपना कंसीलर, जिसके लिए मैंने लिया है NYBA का लिक्विड कंसीलर इन द शेड 02 मिल्क चॉकलेट प्रिट्जल, एंड दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट कंसीलर्स आउट देयर। बहुत ही अफोर्डेबल है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का है, मीडियम टू हाई कवरेज देता है, केकी भी नहीं लगता है, इट हैज़ अ वेरी नाइस फिनिश और शेड भी बहुत सारे आते हैं इसमें। सो मैंने इसे अपने हाई पॉइंट्स ऑफ फेस पर लगा लिया है और थोड़ा बहुत ब्लेमिशेस पर अप्लाई किया है। देन ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से जहाँ जहाँ अप्लाई किया है वहाँ वहाँ पर मैं ब्लेंड कर रही हूँ। अपने अंडर आई एरिया में मैंने अप्लाई किया है, ब्रिज ऑफ नोज़ पे अप्लाई किया है, मिडल ऑफ फॉरहेड पे किया है, अराउंड माय माउथ किया है, ताकि मेरा चेहरा अच्छे से स्कल्प्टेड लगे इवन विदाउट डूइंग एनी कॉन्टूरिंग। नाउ टू सेट माई लिक्विड मेकअप, मैं अप्लाई कर रही हूँ शुगर ड्रीम कवर SPF 15 मैटिफाइंग कॉम्पैक्ट, एंड आई हैव दिस इन द शेड 15 कैपेचिनो। इट इज़ क्रुएल्टी फ्री, इट इज़ पैराबिन फ्री, इट इज़ वेरी हाई क्वालिटी एज वेल। बहुत ही सॉफ्ट और अच्छा स्मूथ पाउडर है, अच्छे से मेकअप को सेट कर देता है, केकी नहीं लगता है चेहरे पर लगाने के लिए। बट हाँ, बहुत बटरी वाला पाउडर भी नहीं है, मुझे इससे भी ज़्यादा बटरी पाउडर्स पसंद है, बट हाँ दिस इज़ वेरी गुड। अब मैं लगा रही हूँ लैम्फर की ब्राउमेंस आईब्रो पेंसिल, जिसका शेड बहुत सही है इंडियन स्किन टोन्स के लिए, नॉट टू ब्लैक, नॉट टू ब्राउन, बिल्कुल परफेक्ट नेचुरल जो हेयर कलर होता है ना इंडियन लोगों का, एग्जैक्टली वैसा है। सो आई एम जस्ट डिफाइनिंग द शेप ऑफ माई आईब्रोज फर्स्ट, आज मैं डिफाइन कर रही हूँ रेदर देन फिलिंग इन द ब्राउज डायरेक्टली, बट हम बहुत ही जेंटली हल्के हल्के हाथ से डिफाइन कर रही हूँ शेप को पूरे में, एंड आफ्टर दैट फिर मैं उसको बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से फिल कर लूँगी, सो दैट ओवरऑल लुक फिर भी नेचुरल ही आए शेप बनाने के बावजूद भी। आईब्रोज से हमारे पूरे फेस का शेप बहुत अच्छे से फ्रेम हो जाता है, सो ऑलवेज मेक श्योर टू डू देम वेरी नाइसली, एंड देन उसके स्पूली की मदद से मैंने उसे कॉम्ब आउट कर लिया है। एंड वंस आई एम डन विद माई आईब्रोज, मैं ये यूज़ कर रही हूँ NYBA का आई शेडो पैलेट, जिसके शेड्स बहुत ही प्रिटी हैं, ये न्यू लॉन्च हुआ है, आई लव NYBA आई शेडो पैलेट Everyday Essentials। इसका MRP सिर्फ 299 है एंड आपको पर्पल पे आराम से भी डिस्काउंट पर भी मिल जाएगा। इसमें बहुत ही पिगमेंटेड शेड्स हैं, बहुत सटल और प्यारे कलर्स हैं। मैंने पीची कलर पहले लगाया है अपनी ट्रांजिशन लाइन में और आउटर वी में और फिर उसे ब्लेंड कर लिया है। देन टू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल, अगर थोड़ा और डेप्थ मुझे चाहिए तो मैं फिर पीचिश ब्राउनिश शेड इसमें से आउटर वी ऑफ आईलिड्स में अप्लाई कर रही हूँ, ट्रांजिशन लाइन में अप्लाई कर रही हूँ। देन यूजिंग ब्लेंडिंग आई शेडो ब्रश मैं इसको अच्छे से फिर ब्लेंड कर रही हूँ। एक अच्छा सा क्रीज लाइन हमें यहाँ पर मिल जाएगा, बहुत ही प्यारा सा न्यूट्रल सा, आई लव्ड इट फॉर क्रीज लाइन। देन मैं ये पर्पलिश पिंकिश शेड अप्लाई कर रही हूँ अपने आईलिड एरिया पे। यू कैन जस्ट टेक एनी अदर शेड आपके ड्रेस के हिसाब से अपने आईलिड एरिया पर आप अप्लाई कर सकते हैं, बट मेरा ड्रेस क्योंकि आज पर्पलिश पिंकिश कलर का है तो इसके लिए मैंने ये पर्टिकुलर शेड सेलेक्ट किया है और मैट अप्लाई किया है, और फिर मैं ब्लेंड कर लूँगी साइड्स को बहुत अच्छे से। मुझे इतना लुक भी बहुत अच्छा लग रहा है, बट बिकॉज
ईद का मेकअप है एंड इफ़ यू वॉन्ट टू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल तो आप शिमर आई शेडो भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए मैंने स्विस ब्यूटी का लिक्विड आई शेडो लिया है इन द शेड 02 डायमंड डस्ट। बिल्कुल ज़रा ज़रा सा लेकिन मैं अप्लाई कर रही हूँ अपने आईलिड एरिया पे, नॉट टू मच। आई शेडो बहुत ही पिगमेंटेड है इसलिए बिल्कुल हल्का सा लगाना है, मैं ज़रा से शिमर्स चाहिए। एंड वंस आई एम डन विद इट, NYB का आई थिंक ये नया आई लाइनर लॉन्च हुआ है, ट्रूली मैट लिक्विड आई लाइनर। इसका ब्रश बहुत ही फ्लेक्सिबल है तो बहुत ही ईजी टू वर्क विद है एंड मैंने इससे फिर विंग आई लाइनर क्रिएट किया है। आप इससे पतला आई लाइनर भी लगा सकते हैं, मोटा आई लाइनर भी लगा सकते हैं एंड आई जस्ट लव पर्पल के लिक्विड आई लाइनर्स की क्वालिटी, जो भी इनके प्राइवेट ब्रांड्स हैं। NYB का भी आई लाइनर बहुत ही अच्छा होता है, ये वाला आई लाइनर भी मुझे बहुत अच्छा लगा, फिनिश बहुत अच्छा आया, वेरी इजी टू वर्क विद। देन फिर मैं अप्लाई कर रही हूँ NYB द बिग एप्पल ऑफ माई आई कोल, जो कि मैं अपने अपर लैश लाइन पर और लोअर लैश लाइन पर अप्लाई कर रही हूँ। यू कैन स्किप दिस स्टेप एज वेल अगर आपको इतना ज़्यादा अपनी आईज़ में डेफिनेशन नहीं चाहिए है, बट इफ़ यू वॉन्ट द डेफिनेशन और एक मस्त वाला आपको लुक चाहिए ना फेस्टिवल वाला, तो आप काजल को अपर लैश लाइन लोअर लैश लाइन में लगा लें तो आपकी आईज़ बहुत ही अच्छे से स्टैंड आउट करेंगी। देन आई एम गोना गो विद माई मस्कारा। सो मस्कारा के लिए NYB आई लव मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ मैं एंड आई हैव दिस इन वॉल्यूमिनाइजिंग वन, सो इट इज़ वेरी ईजी टू अप्लाई, बहुत ही नेचुरल सा वॉल्यूमिनाइज लुक देता है ये, क्लम्पी मस्कारा नहीं है, वेरी ईजी टू वर्क विद, बहुत लाइट वेट मस्कारा है, आई लैशेज हैवी बिल्कुल नहीं लग रहे थे इसे लगाने पर। मस्कारा इज़ ऑल्सो एनरिच्ड विद कैस्टर ऑयल, ये लॉन्ग लास्टिंग मस्कारा है, वाटर रेजिस्टेंट भी है। इसमें वॉल्यूमिनाइजिंग मस्कारा तो आता ही है, साथ ही में लेंथनिंग मस्कारा और कर्लिंग मस्काराज भी अवेलेबल है। आप देख सकते हैं मेरी आंखें कितनी खूबसूरत लग रही हैं मस्कारा लगाने के बाद। देन ब्लश के लिए मैंने लिया है NYB सनसेट स्काईलाइन ब्लश इन द शेड 1 डस्की मॉव, विच इज़ अ वेरी लाइट न्यूट्रल काइंड ऑफ पिंक कलर जो फेयर टू मीडियम स्किन टोन्स पर चल जाएगा, और मुझे बहुत ही नेचुरल सा प्यारा सा पिंकिश सा ब्लश चाहिए था, इसके लिए आई हैव सेलेक्टेड द शेड, क्योंकि मैं आज यहाँ पर चीक्स पर भी लगा रही हूँ, चीक बोन्स के नीचे की तरफ और नोज़ के ऊपर भी मिड में मैंने लगाया है, तो इसलिए लाइट ब्लशर ही अच्छा लगेगा ऐसे में। फिर मैं लगा रही हूँ पर्पल का हाईलाइटर, विच इज़ स्पार्कल लाइट वेट इल्यूमिनेटर हाईलाइटर इन द शेड सनलेट, विच इज़ वन ऑफ माई वेरी फेवरेट हाईलाइटर्स। चंकी पार्टिकल्स नहीं है, बहुत ही फाइन शिमरी पार्टिकल्स हैं, नेचुरल टू ब्लाइंडिंग ग्लो इससे आप अचीव कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन हाउ मच यू अप्लाई। चीक बोन्स पर मैंने अप्लाई कर लिया है, ब्रिज ऑफ नोज पर अप्लाई किया है, मिडल ऑफ फॉरहेड पर, क्यूपिड्स बो पर और चिन पर बिल्कुल ज़रा ज़रा सा। देन काला बार का मेकअप सेटिंग स्प्रे की मदद से मैं अपने मेकअप को सेट कर रही हूँ ताकि सभी मेकअप के लेयर्स आपस में ब्लेंड हो जाए, एक नेचुरल सा फिनिश आ जाए, लॉन्ग लास्टिंग बने मेकअप। Then I'm gonna go ahead with my liquid lipstick, जो है NYB की liquid lipstick, Snuggle Secrets 15. I loved this color. The formula is very nice as well. मैंने इसे बाद में पार्टी में मेकअप को कैरी किया था, मेकअप काफ़ी ज़्यादा देर तक लास्ट किया था, लिपस्टिक भी काफ़ी देर तक लास्ट की थी, खाना वाना खाने पे भी ज़्यादा उतरी नहीं थी, बस बीच में से ज़रा सी हल्की सी फेड हुई थी तो भी, लेकिन अलग से कुछ बहुत वियर्ड नहीं लग रहा था। इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल न्यूट काइंड ऑफ कलर फॉर ऑल इंडियन स्किन टोन्स, डस्की स्किन टोन्स पे भी ये पर्टिकुलर शेड लिपस्टिक का बहुत ही अच्छा लगेगा। ब्राउनी न्यूट कलर है विद लिटिल बिट ऑफ आई वुड से मोविश अंडरटोन टू इट, जो विजिबल तो नहीं है, खैर ऑलमोस्ट ब्राउनी न्यूट ही है, बट इट्स अ वेरी वेरी प्रिटी कलर। फॉर्मूला भी बहुत ही कंफर्टेबल है लिपस्टिक का, अच्छी लगी है लिपस्टिक मुझे काफ़ी, 4-5 घंटे तक आराम से स्टे कर जाएगी। सो दिस इज़ माई ईद मेकअप लुक गाइज, जो भी मेकअप प्रोडक्ट्स मैंने इस्तेमाल किए हैं उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ मेक श्योर टू चेक दैम आउट, पर्पल से आप खरीद सकते हैं ना। और अगर आपको मेरा मेकअप लुक अच्छा लगा है देन प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में, सब्सक्राइब करें वर्तिका आनंद चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो।